तो जीत भारी और 2024 की तैयारी इसी एजेंडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंच भी चुके हैं। हालांकि गुजरात में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही 6-7 महीने का वक्त है अभी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 6 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए उनकी लोकप्रियता का। और गुजरात से वो आते भी हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जहाँ जहाँ से निकला, फूलों की वर्षा की गई उनके ऊपर, जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, विक्ट्री साइन बनाते हुए आए। जिस तरीके से कल 5 में से 4 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पर कभी सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, वहां पर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तैयारी आप देख सकते हैं। दिसंबर में गुजरात में चुनाव होना है और 2024 भी नज़दीक है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने बिगुल फूंका अपनी चुनावी तैयारियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में सुबह के समय लगभग 9 किलोमीटर लंबा एक रोड शो निकाला और अब से कुछ ही देर बाद महापंचायत को संबोधित करेंगे। हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, विकास भदौरिया, अंकित गुप्ता और मृत्युंजय सिंह। तो मैं रुक करना चाहूंगी सबसे पहले विकास भदौरिया का। विकास, जिस तरीके से मृत्युंजय सिंह भी मुझे दिखने लगे हैं, मृत्युंजय, जिस तरीके से आज के रोड शो में भीड़ देखने को मिली और अब महापंचायत को संबोधित करेंगे, क्या विलंब है, कितनी देर और लगेगी? बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है शोभना, क्योंकि जिस अहम पंचायत महासम्मेलन की बात कर रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और अभी भी देखिए लोग जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। बड़े बड़ी स्क्रीन्स आपको अंदर नजर आएंगी और 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ऐसा अनुमान बताया गया है, एक आंकड़ा जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे में 33 जिला पंचायत, 248 तालुका पंचायत और 14,500 ग्राम पंचायत है। तो ये गुजरात पंचायत महासम्मेलन को नाम दिया गया है अपनो गांव अपनो गौरव, यानी अपना गांव अपना गौरव, ऐसा एक नारा दिया गया है। और अनुमान है कि 1 से 1.5 लाख लोग जो इस पंचायती राज से जुड़े हुए सदस्य हैं वो लोग यहाँ इस महापंचायत सम्मेलन में पहुँचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो गया है। आपको बता दें कि 38 डिग्री की गर्मी में ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं और आम पंचायत राज से जुड़े हुए सदस्य हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ग्राम समाज के, वो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी भी जाँच कर उनको अंदर भेजा जा रहा है। एक बहुत बड़ा पंडाल आप सामने तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग देख सकें, सुन सकें। और आप स्क्रीन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हुए हैं, उनका आगमन हो चुका है। पहले जो स्थानीय नेता हैं वो संबोधन करेंगे और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। शोभना, मृत्युंजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मंच पर कौन कौन बैठा हुआ है, इसको समझना बेहद जरूरी है। जी, ये मंच पर कौन कौन मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? जी बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि मंच पर इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनके ठीक दाहिनी तरफ जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल वो नज़र आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ के अहमदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं वो नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ के गुजरात सरकार के मंत्री भी नज़र आ रहे हैं, जिनको हम यहाँ जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। जो फ्रंट रो है, जो आगे का हिस्सा है, वहाँ पर पंचायती राज से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं, सदस्य हैं या भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको जगह दिया गया है। पर ये जो आपको जितने लोग दिख रहे हैं, ये तमाम लोग गुजरात के अलग अलग गांव से आए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो संपन्न हुए चुनाव है, गुजरात के ग्राम पंचायत के चुनाव है, ग्राम प्रधान के, ये सब वो लोग हैं। देखिए, मैं शोभना बता रहा था कि कितना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन लोगों के लिए संबोधन। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक मास्टर स्ट्रोक चला था, मास्टर स्ट्रोक ये चला था कि गाँव में जो चुनाव हो रहे हैं ग्राम प्रधान के, जिला पंचायत के, इसमें चुनाव वही लोग लड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से उनको मौका नहीं मिला, यानी कोई अपने बेटे को टिकट नहीं दे पाया, कोई अपनी पत्नी को नहीं चुनाव लड़ा पाया, कोई अपने घर की बहू बेटी को चुनाव नहीं लड़ा पाया, किसी फ्रेश चेहरे को जगह देनी थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है और उन नए चेहरों का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे, उनमें ऊर्जा भरेंगे। आप कल्पना कर सकती हैं आप कि जब नए चेहरे हैं जो पहली बार राजनीति में कदम रखे हैं, ग्राम प्रधान से चुनकर आए हैं, तो उनको प्रधानमंत्री का संबोधन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, तो वो आगे पार्टी
के लिए, गुजरात के लिए कितना काम करेंगे, कितने प्रोत्साहित होंगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि और देखिए दिसंबर में यहाँ पर चुनाव होना है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंच पर देख सकते हैं उनका अभिवादन करते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद हैं और तमाम वो पंचायत के लोग जिनके बारे में बता रहे हैं कि पंचायत में इस बार एक नए तरीके से चुनाव कराया गया बीजेपी की तरफ से कि कोई भी अपने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दे पाएगा, बल्कि जो लोग बीजेपी से जुड़े रहे और जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दिया जाएगा। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ रुक रहे हैं, आगे इस बड़े संबोधन पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए मातृभूमि। ABP News आपको रखे आगे।